सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे आइस स्क्रीम चैप्टर 7 की एक ऐसी खतरनाक एंडिंग की, बड़ी एंडिंग की, जो कि शायद हमको देखने को मिल सकती है। एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हमको देखने को मिल सकती है चैप्टर 7 में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा काफी टाइम पहले जब आइस स्क्रीम चैप्टर 6 आया था, तो चैप्टर 6 के एंडिंग वाले सीन में हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। मतलब उससे शायद हमको चैप्टर 7 की एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई थी, और मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बना के ये बात आपको बताई थी। वो वीडियो देख लेना, अभी भी चैनल पर अवेलेबल है। तो हाँ, उसमें क्या था कि जो एंडिंग वाला सीन था, उसमें हम लोगों ने देखा कि माइक और जे दोनों कंट्रोल रूम में हैं, एंड फाइनली चार्ली भी अब सेव हो चुका है किचन से, ठीक है, टपक के आ चुका है वो कंट्रोल रूम में। एंड ये दोनों मिलके, यानी जो जे है और माइक, ऑफकोर्स माइक तो ढूंढेगा ही लिज को, ये दोनों मिलके लिज को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि लिज आखिर कहाँ पर फैक्ट्री के किस एरिया में हो सकती है। अब ये तो हमें पता ही कि वो लैब एरिया में है। सो यस, ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो चार्ली है वो तो भैया अपना अलग ही, वो पीछे जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर चार्ली ने एक बहुत ही बड़ी बात बोलता है। सो यहाँ पर ना माइक कहता है नाउ लेट्स फाइंड वेयर इज लिज, बट यहाँ पे चार्ली इसका जवाब देता है कि ओके फाइन, बट आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू फर्स्ट। मतलब ऐसा क्या जरूरी काम है जो कि उसको लिज से ज्यादा जरूरी लग रहा है। तो इसके बाद चार्ली कोने में जाके बैठ जाता है, एंड वो एक किसी चीज से उड़ने का ऐसा आवाज निकालता है, फ्लाइंग मतलब ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई प्लेन वगैरह या हेलीकॉप्टर टाइप कुछ ऐसा दिखाता है वो। तो इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई थी, एंड मैंने आपको बताया था कि आइस स्क्रीम चैप्टर 7 में हो सकता है हमको कोई इस तरीके की हेलीकॉप्टर एंडिंग या फिर कोई प्लेन एंडिंग देखने को मिले। मतलब ये सारे फ्रेंड्स मिलके किसी प्लेन में या किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से एस्केप करें। अब जब से मिस्टर मीट चैप्टर 2 में हेलीकॉप्टर एस्केप ऐड हुआ है, तब से हम लोग इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि आइस स्क्रीम चैप्टर 7 में भी हमको कोई बड़ी इस तरीके की एंडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैप्लेरियंस के ऑलमोस्ट जो सारे गेम्स हैं उनमें इस तरीके की एंडिंग आई है। इवोलन में बैलून एस्केप आया है, एंड अब मिस्टर मीट में हेलीकॉप्टर एस्केप, तो आइस स्क्रीम में भी बनता है कोई इस तरीके का एस्केप बनता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ये सारे फ्रेंड्स मिलके बस शॉट से भाग रहे थे, लेकिन अब इनको फाइनली एस्केप करना है। एंड आज से काफी टाइम पहले ना कैप्टन सावर ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था कि चार्ली के पास ऐसा क्या जरूरी काम है जो कि लेज से ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है इस सब का जो प्लान है वो चार्ली के दिमाग में ही चल रहा हो, एंड जिस चार्ली को हम लोग सबसे बेवकूफ समझते हैं अब तक, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि सारा जो दिमाग का काम है वो जे और माइक ही कर रहे हैं। हो सकता है चैप्टर 7 में चार्ली सबको चौंका दे, या चार्ली एक ऐसा प्लान लेकर आए जिसको सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाए। एंड यस, एंड ये प्लान कुछ और नहीं, मतलब कुछ इस तरीके का एस्केप हो सकता है, कोई बैलून एस्केप हो गया, फिर हेलीकॉप्टर एस्केप टाइप देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।